कह रहा है कि इन द गिवन फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड। तो बच्चों आपको जो एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, मैं आपको बता दूं कुछ इस तरीके का फिगर आपकी बुक में यहां पर दिया होगा आपको, ठीक है ना। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का कुछ फिगर आपको दिया हुआ है लैम्प शेड का। देखो लैम्प शेड क्या होता है मैं आपको बता दूं, आप गूगल भी कर सकते हो जिनको नहीं पता। देखो बच्चों लैम्प है, लैम्प में अंदर बल्ब जल रहा है। अब उसकी सुंदरता को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, देखो बल्ब को अगर डायरेक्ट जलने देंगे, उसके आसपास ऐसा कवरिंग नहीं करेंगे चारों तरफ, तो लाइट बहुत तेजी से निकलेगी और आंखों में उसकी इंटेंसिटी लाइट की बहुत तेज होगी तो आंखों में लगेगा। तो क्या करते हैं बच्चों, लैम्प शेड बना देते हैं। आपने देखा होगा लैम्प में कोई डिजाइन का कपड़ा ऐसे लगा देंगे, तो क्या होगा जब साइड में ऐसा कपड़ा लगा दोगे ना, इस पे बल्ब के चारों तरफ साइड में कपड़ा लगा दोगे तो लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, वो आंखों में कम लगेगी। जैसे रात में लैम्प जलाते हैं तो हल्का सा शेड चाहिए होता है, ठीक है ना, या डिनर वगैरह कहीं करने गए आप रेस्टोरेंट में, देखो लैम्प लगा देते हैं, लैम्प शेड लगा होता है, जैसे लाइट की इंटेंसिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, थोड़ा सा सुंदर माहौल लगता है। बहरहाल अब देखिए यहाँ पर ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही समझने वाला है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान से चेक करो, कह रहा है यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, ठीक है, लैम्प शेड का ही फ्रेम आपको इन्होंने दिखाया हुआ है। और ऑब्वियसली इन्होंने बोला ना कि आप इसको देखो, तो देख के हमें पता चल रहा है कि इसका जो फ्रेम है ये कैसा है, लैम्प शेड का फ्रेम समझते हो ना, फ्रेम पहले तो ना मेटल की ये तार है बच्चों, वायर है। अरे भाई कपड़ा कहाँ लगा दोगे, किसी सपोर्ट पे ही तो कपड़ा चिपकाओगे ना, हाँ, तो ये एक फ्रेम है उसका जिसके ऊपर कपड़ा ऐसे लपेटा जाएगा, ऐसे लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ्रेम हम देख रहे हैं और ऑब्वियसली फ्रेम आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, सिलेंड्रिकल शेप का, बिल्कुल सही है। कह रहा है इट इज़ टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लोथ, हाँ भाई इसके चारों तरफ ऐसा कपड़ा इनको लगाना है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। द फ्रेम हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका बेस डायमीटर कैसा है 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका बेस डायमीटर नहीं समझते हो आप लोग, हाँ, ये जो फ्रेम है, ये जैसा भी फ्रेम है, ये फ्रेम का जो बेस है, बेस कैसा दिखाई पड़ रहा है फ्रेम का आपको, सर्कुलर। तो बेस का जो डायमीटर है कितना है बताइए, 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, बोलिए, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो ना, रेडियस आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलिए, 10 सेंटीमीटर, बात समझ आएगी नहीं। एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर, चलो हाइट कितनी हो गई बोलिए, 30 सेंटीमीटर, चलो बहुत बढ़िया। कह रहा है अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम, फाइंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। बच्चों ध्यान से चेक करिए, देखिए बात समझिए, ये जो फ्रेम है ना बच्चों, फ्रेम, ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए, चलिए ये फ्रेम है, अब इसके चारों तरफ ऐसा कपड़ा लगाना है, लेकिन एक कंडीशन दे दी बच्चों इन्होंने, क्या कंडीशन दे दी, अगर केवल इसके चारों तरफ फ्रेम पे ही कवर करना होता कपड़ा तो हम 2πrh से इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते, प्रॉब्लम खत्म हो जाती, 2πrh से इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते, तो उतना ही तो सरफेस एरिया का कपड़ा इसके चारों तरफ लगता, ठीक है। रेडियस कितनी लेते बताइए उस टाइम, 10, हाइट कितनी लेते 30, लेकिन स्टूडेंट्स इन्होंने क्या बोला है पढ़िए जरा, अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम, बात समझो बच्चों, पता है क्या कंडीशन है, ध्यान से चेक करो, सिर्फ इसके किनारे किनारे नहीं लगना है, देखो कैसे लगना है, ये कपड़ा इस फ्रेम के चारों तरफ कुछ इस तरीके से लगना है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कागज से, यहाँ मुझे बनाना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। देखो ये देखना जरा, ये ऐसा, ठीक है, देखो ये आपका फ्रेम है, तो कपड़े को ऐसा फोल्ड करेगा और एक ही राउंड करेगा, ऑब्वियसली कपड़ा क्यों वेस्ट करेगा, 10 राउंड कोई थोड़ी ना करेगा, तो एक राउंड किया, लेकिन खास बात देखो, अब ये फोल्डिंग तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, ये देख लिया आप लोग, ये फोल्डिंग तो ऐसे समझ में आ रही होगी, ठीक, लेकिन ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, देखिए यहाँ से हम इसको ना निकाल लेते हैं, देखो ये मार्जिन छोड़ दिया, देखो फ्रेम के ऊपर 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया है और नीचे बॉटम में भी 2.5 का एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ दिया है, ठीक है। तो जो कपड़ा यूज़ में आएगा वो कितना आएगा, जो क्लोथ आएगा यूज़ में बच्चों वो कुछ इस तरीके से आएगा, हम आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ दिखाने की, देखिए ये देखिए ये कपड़ा लगेगा इसमें, ये इतना, ये इसको ऐसे एग्जैक्टली कवर कर लेगा, बहुत बढ़िया कटिंग भी आई है, एग्जैक्टली कवर कर रहा है। तो देखो 2.5 सेंटीमीटर नीचे डाला, मतलब नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ दिया और 2.5 मीटर ऊपर, ताकि क्या करें इसको फोल्ड कर लें बाद में ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इसको फोल्ड करते होंगे बाद में, समझे। तो बताओ कपड़ा कितना लगा बच्चों, तो जवाब है सर इतना लगा, ये जो दिख रहा है, अरे ये भी, ये जो कपड़ा है, अभी हम फ्रेम को निकाल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अब कपड़े को देखो, सिर्फ ये इतना सरफेस एरिया का कपड़ा लगा, इतने सरफेस एरिया का कपड़ा लगा, सही है ना, अभी तो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, जब इसको ऐसा घुमा देंगे, ऐसे फोल्ड कर देंगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा, ये सिलेंड्रिकल, अरे भाई रेक्टेंगल को ऐसा घुमा दो तो सिलेंड्रिकल, इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ध्यान से सुनो, 30 तो होगी होगी, प्लस 2.5 ऊपर से लेंगे और 2.5
नीचे से लेंगे, नहीं समझ में आएगा, है ना। तो यही चीज़ है। तो नया डायग्राम हम लोग का कैसे बनेगा, जो क्लोथ हमें चाहिए होगा, ठीक है, उसको जब ऐसा क्लोथ को हम ऐसा फोल्ड कर देंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, सिलेंडर दिखाई पड़ेगा। तो सिलेंडर की हाइट कितनी लेनी होगी हमको बताइए, 30 तो लेनी होगी, प्लस 2.5 टॉप के लिए और 2.5 बॉटम के लिए, यानी कि कुछ ऐसा फिगर आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए बच्चों, ये कितना आपका 30 सेंटीमीटर है, करेक्ट, और कुछ मेरे ख्याल से इस तरीके का फिर आपको दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है 2.5 का, सही है, इतना। और इसी तरीके से आप टॉप पे देखोगे तो टॉप पे भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन दिखाई पड़ेगा। ये देखिए, अभी 30 यहाँ तक है मान लो, ये ठीक है, समझ गए ना, ये वाला 2.5 एक्स्ट्रा, 30 यहाँ तक था। तो बताओ टोटल हाइट अब कितनी हो जाएगी क्लोथ की, क्लोथ का जब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो टोटल हाइट अब हमें कितनी लेनी होगी, 30 प्लस 2.5 टॉप के लिए और प्लस 2.5 बॉटम के लिए, ठीक है ना। 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है बताइए, 5 होता है। अरे 2.5 प्लस 2.5 5 होता है, ऐड कर लो ना, 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है, 2.5 और प्लस 2.5 जिसको हिंदी में ढाई बोलते हैं, ढाई ढाई पाँच होता है, चेक करो, 5 प्लस 5 10 कह दीजिएगा, 1 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 5 कितना आ गया, 5.0 विच इज़ वॉट 5, 5.0 का मतलब 5। तो हाइट हमें कितनी लेनी है, 5 सेंटीमीटर। क्या रेडियस में कोई चेंज हो जाएगा, नहीं, रेडियस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो रिक्वायर्ड क्लोथ इज सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड क्लोथ कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, 2πRH, लेकिन आपको ये वाला हाइट नहीं लेना है, ठीक, कितना लेना है, 35 लेना है, ठीक है ना। देखिए गलती से यहाँ मैंने 5 लिख दिया बच्चों, 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 5, 5 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 35, सही है। चलो सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है तो 22.7 ले लेंगे, 22.7 इंटू रेडियस कितना लेना बताइए, 10, और हाइट कितना लेना बताइए, 35। अब थोड़ा सा खास बात ध्यान दें, रेडियस किस में, सेंटीमीटर में, हाइट किस में, सेंटीमीटर में, तो आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और मेरी बात सुनो बच्चों, देखो पता है इन्होंने हमसे ये तो बोला नहीं कि भाई मीटर स्क्वायर में आंसर दो या सेंटीमीटर स्क्वायर में, कुछ रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो जो मेरा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में मैं छोड़ दूंगा, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो देखते हैं क्या होता है, 7 1 7 7 5 35, 2 × 22 बताइए कितना होता है, 44 इंटू, अब ध्यान से चेक करो, 10 इंटू 5 है। अब एक काम करो, 10 इंटू 5 को आप 5 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, है ना भाई, 10 इंटू 5 को 5 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों किया था कि मैं 5 को 44 से आराम से मल्टीप्लाई कर लूँ, जितना आएगा फिर उसको 10 से कर देंगे, तो 5 इंटू 44 कितना होता है, 44 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 2 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, 220 आ गया, तो 220 और इंटू में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 44 इंटू 5 220 आ गया और इंटू में 10 तो है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 यहाँ पर और लग जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2200 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का जो क्लोथ होगा वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, टोटल जो लैम्प शेड का फ्रेम को कवर करने के लिए। अच्छा एक चीज़ और, अगर मान लीजिए मीटर स्क्वायर में निकालना होता हमको आंसर, तो हम क्या करते हैं, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करते हैं, 100 से नहीं डिवाइड लगेंगे, 100 और 100 से डिवाइड लगेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसका मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो एक बार 100 से लगाएंगे तो ये वाला सेंटीमीटर मीटर में चेंज होगा, और नेक्स्ट बार 100 से डिवाइड लगाएंगे तो ये वाला सेंटीमीटर मीटर में चेंज होगा, यानी कि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। बहरहाल ऐसा इन्होंने बोला नहीं था, अगर बोल देते तो ध्यान से चेक करो, ये 20 से 20 कट जाता और आंसर कितना आता, 0.22, क्योंकि 22/100 0.22 हो जाएगा मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका मीटर स्क्वायर में आंसर, 0.22 मीटर स्क्वायर, और ये रहा आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहरहाल आप लोग यही वाला आंसर करिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।